Hi, so today's our topic is quantum numbers. So let's discuss about what is quantum number. So हम quantum number को इस diagram के वैसे पेज देखते हैं. ये यहाँ पे दिखाया गया एटम के जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन से गति कर रहे हैं इनके कैरेक्टर्स को जो कॉन्स्टेंट डिफाइन करता है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं. ठीक है, एटम के चारों घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टर्स को जो कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं उसे ही क्वांटम नंबर कहते हैं. ठीक है, तो एज देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, फोर टाइप्स. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इसका जो है वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हम चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर. ठीक है, ये है एन. व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन के सेल को डिफाइन करता है, जो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, एन. तो एन जो है, एन की वैल्यू होती है 1, 2, 3. 1 से स्टार्ट होती है एन की वैल्यू. ठीक है, ओके. तो जो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और तो जो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल है वो है के, एल, एम और एन. तो चलिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सेल्स के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें दिखाया गया है कि ये इसकी सेल है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सेल्स है के, एल, एम और एन. तो जो के की वैल्यू है वो है 1, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 4. ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? वो क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स की सेल को डिफाइन करता है. तो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? वह क्वांटम नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन के सेल को डिफाइन करता है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और इसकी सेल यहाँ पे दिए हुए के, एल, एम और एन. तो अब हम बात करते हैं एन की, इलेक्ट्रॉन में एन की वैल्यू निकालने की. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है 2n2. हाँ, तो चलिए बात करते हैं एन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने की. ठीक है, तो n में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ. n में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला है, इसे याद रख लेना. यहाँ पे हमने n की वैल्यू हमने मान ली 1 है, तो यहाँ पे हो गया 2 × 1 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1. तो 2 × 1 = 2. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? तो ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n पे सेल का फॉर्मूला है. तो अगर हम मान लेते हैं n की वैल्यू अगर 2 है तो n इज इक्वल टू 2 है, तो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं? 2n² है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, तो यहाँ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4, 2 का स्क्वायर था 4, 4 × 2 = 8. ठीक है, ऐसे आप हर n की कोई भी वैल्यू पे निकाल सकते, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वांटम नंबर की, जो कि है एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर. एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर और एन. तो व्हाट इज एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर? एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर क्या है? तो हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था वहां पे हमने पढ़ा था कि वो सेल को डिफाइन करता है. तो जो एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर है वो किसी इलेक्ट्रॉन की सब सेल को डिफाइन करता है. ठीक है, तो वो सेल को डिफाइन करता है, ये सब सेल को डिफाइन करता है. ठीक है, इतना समझ जाना कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को डिफाइन कर रहा है, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर सब सेल को डिफाइन कर रहा है सिंपली. तो हाँ, एल की वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और एन माइनस 1 तक होती है. ओके, तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है. अब हम देखते हैं कि अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू भी, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो जो एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर की सब सेल क्या क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं. अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, तो जो उसका सब सेल होगा तो वो होगा एस. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर की सब सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे चार
सबसे पहले एडिटिव क्वांटम नंबर की, जो कि है एस पी डी और एफ, ठीक है, एस पी डी एफ, ये एडिटिव क्वांटम नंबर की चार सबसे पहले। तो अब हम इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर n इज इक्वल टू वन है, l इज इक्वल टू जीरो, तो s सबसे होगा, s सबसे, ठीक है। n इज इक्वल टू है टू, पहले से थोड़ा समझ लेते हैं। अगर s, s क्यों होगा, सिंपली s क्यों होगा, अगर l की वैल्यू जीरो है तब वहां पे हम s लेंगे। p क्यों होगा अगर l की वैल्यू वन है, d में l की वैल्यू टू है और f में l की वैल्यू थ्री है, इसलिए ये आएंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर n की वैल्यू टू हो गई, l की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, s, ठीक है, s आएगा, नहीं यहाँ पे सॉरी p आएगा, यहाँ पे l की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे p, s और p दोनों आएंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू थ्री, सॉरी यहाँ पे l के साथ जीरो एंड वन आएगा, क्योंकि यहाँ पे s और p दोनों आ रहे थे, जीरो एंड वन को भी आना चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू थ्री है, तो n इज इक्वल टू जीरो वन टू होगा, और यहाँ होगा s t एंड d, ठीक है। इस ध्यान से देख लीजिएगा, और हम बात करते हैं n इज इक्वल टू फोर में, n इज इक्वल टू जगह जीरो वन टू एंड थ्री, तो यहाँ पे हो जाएगा s कॉमा p कॉमा d कॉमा f, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आई थिंक अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वांटम नंबर की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एस, ठीक है, नहीं सॉरी, थर्ड क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखा जाता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो एक जैसा ना होकर डिफरेंट होता है। तो उस हाई मैग्नेटिक एरिया में इलेक्ट्रॉन की दिशा जो क्वांटम नंबर बताता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। हाई मैग्नेटिक एरिया में जब किसी इलेक्ट्रॉन को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखा जाता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो सेम ना होकर डिफरेंट होता है। और जो ये है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे हाई मैग्नेटिक एरिया में रखा जाएगा, तो उसका जो बिहेवियर है वो सेम ना होगा, डिफरेंट होगा। और उसकी दिशा को जो क्वांटम नंबर डिफाइन करता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है उसे जो डिफाइन कर रहा है उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम होता है। तो अब हम समझते हैं एम की वैल्यू। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम की वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हमने एन लिखा, एन है, तो एम एम क्या है, तो एम की वैल्यू होती है माइनस एल से जीरो फिर प्लस एल तक, ठीक है, एम की वैल्यू ये होती है। चलो हम एम की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एन लिया, एल लिया, सेल लिया, सब सेल लिया, एंड एटलीस्ट हमने लिया एम, ठीक है। तो यहां हमने टेबल ले ली है जिसमें एन एन लिया है, एल है, सेल है, सब सेल है और एम है। तो मान लीजिए अगर एन की वैल्यू वन है, एन की वैल्यू वन है, तो एल की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो ही होगी। सेल होगा यहाँ पे हमारा के और सब सेल होगा एस, एम की वैल्यू जीरो, ठीक है। नाउ एन की वैल्यू दो है, तो एल की वैल्यू होगी एक, सेल होगा यहाँ पे एल, सब सेल होगा। तो अगर एन की वैल्यू दो है तो एल की वैल्यू हो जाएगी जीरो और एक, सब सेल हो जाएगा एल, सब सेल हो जाएगा एस एन पी, और एम हो जाएगा माइनस वन जीरो प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे एम के हम दो पार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि एक में माइनस वन जीरो और प्लस वन होगी और दूसरे में जीरो होगी वैल्यू, ठीक है। तो ना तीसरे की बात करते हैं, जीरो वन एंड टू। यहाँ पे सेल है एम, सब सेल में आ जाएगा एस पी एन डी, यहाँ हो जाएगा माइनस वन जीरो प्लस वन, यहाँ पे आएगा जीरो और यहाँ पे आएगा माइनस टू
माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, ठीक है। ये है ये हमारा होगा पी सब सेल के लिए, ये एस सब सेल के लिए और ये है डी सब सेल के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर की तरह। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन अपने सेल में तो रोटेट हो, मतलब सर्कुलर मोशन में रोटेट तो होता ही है, साथ ही साथ जिस अक्ष में उसमें भी रोटेट होता है और उस अक्ष में उसकी दिशा को जो क्वांटम नंबर डिफाइन करता है उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दिशा के अनुसार ही दो वैल्यूज होती है, एस इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन टू एंड माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो अभी हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ हमारा फेसबुक पेज है कैलाश चंद जोशी, उसे लाइक कर दें और हाँ इंस्टा आईडी कैलाश चंद जोशी को भी फॉलो कर दें ताकि हाँ हम लोगों ने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी इस टाइप के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज और टॉपिक्स के बारे में डालते रहते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे या वहां पर भी हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते रहते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो लाइक कर दें दोनों को, थैंक यू सो मच।